गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो किड्स, हमने लास्ट क्लास में हमारा सेवेंथ लेसन किया था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। व्हाट वाज इट? दैट वाज अलीशाज डॉल। ओके, तो ये हमारा लेसन एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ टुडे व्हाट वी विल डू, वी विल डू अवर एक्सरसाइज बिट। ओके, तो आपको क्या करना है, मीनिंग्स लिखना है, पहले लेसन नेम लिखना है, देन मीनिंग्स लिखना है, देन क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लास वर्क बुक में लिखना है। ओके किड्स, सो टेक आउट योर रीडर्स एट पेज नंबर 42। Fine. So here the first question is, what did Alisha have? Alisha ke paas kya tha? Alisha had a nice doll. What she had? She had a nice doll. Then how was the dress of the doll? Doll ka dress kaisa tha? Alisha ke doll ka dress? It was pink in color, right? So the dress of the doll was pink in color. Now next one, what happened to the doll? Doll ko kya hua? The doll fell on the floor and broke. Doll kya hua? Floor pe gir gayi and it was broken. Then how did the new doll look like? New doll kaise dikhai deti thi? Same as old one. So the new doll looked like the old one. Next, why did Alisha not throw away her doll? Alisha ne apni purani doll kyu nahi throw kar di? Because Alisha did not throw away her doll because she loved it. वो अपनी old doll से भी बहुत प्यार करती थी, that's why she didn't throw away the doll. Now come to the next page. Join the two parts to make sentences. Write them in the space. Okay? यहाँ पे क्या है, two parts है, part A and part B. तो यहाँ जो sentences है हमें क्या करना है, ये sentence के साथ pair up करना है. So first sentence, Alisha made. क्या बनाया अलीशा उनकी डॉल के लिए? पिंक ड्रेस. सो अ पिंक ड्रेस फॉर अ डॉल. नाउ नेक्स्ट वन इज अलीशा वॉज वेरी सैड, है ना? अलीशा वॉज वेरी सैड. तो व्हाट यू विल डू? यू विल मार्क इट, मैच इट अप. अलीशा वॉज वेरी सैड. देन नेक्स्ट वन क्या है? वी विल. उनकी मम्मा ने क्या बोला? वी विल सेव अप मनी. So match it to save up money. We will save up money. Then fourth wala, they got. What they got? Kya purchase kare shop pe jaake? A new doll. They got a new doll. Then she did not. Alisha ne kya nahi kiya? Throw away nahi kiya, apni old doll ko nahi feka. That's why she did not throw away it. Okay kids, now next one. अभी आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस हमने मैच किया है वो सेंटेंसेस को यहाँ पे कॉपी करना है. ओके, लाइक अलीशा मेड अ पिंक ड्रेस फॉर द डॉल. तो आपको यहाँ सेंटेंस लिखना है, अलीशा मेड अ पिंक ड्रेस फॉर द डॉल. नेक्स्ट वन, अलीशा वॉज वेरी सैड. हम मैचअप कर रहे थे ना ये सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस अभी हमें यहाँ लिखना है, अलीशा वॉज वेरी सैड. देन थर्ड वन, वी विल. क्या सेंटेंस फॉर्म हुआ था? वी विल सेव अप मनी. तो आपको सेंटेंस यहाँ लिखना है, वी विल सेव अप मनी. फोर्थ वन, दे गॉट अ न्यू डॉल. सो आप यहाँ लिख दें, दे गॉट अ न्यू डॉल. शी डिड नॉट थ्रो इट अवे. शी डिड नॉट थ्रो इट अवे आपको यहाँ सेंटेंस में लिखना है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, राइट क्वेश्चंस टू गेट दिस आंसर्स. अभी यहाँ क्या है, द क्वेश्चन इज नॉट गिवन. आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन बनाना है. आपको आंसर पहले से यहाँ से दिया गया है, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है, आंसर का क्वेश्चन बनाना है. सो आंसर क्या है पहले हम देखेंगे. दिस इज अ डॉल. ये क्या है? डॉल है. तो क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारा, ये क्या है? सो वॉट इज दिस. ओके, ये क्या है मीन्स वॉट इज दिस. ये सेंटेंस क्या होता है, वॉट इज दिस, ये क्वेश्चन को हम बोलेंगे आंसर, दिस इज अ डॉल. ये एक डॉल है. तो हमारा क्वेश्चन ये सेंटेंस का क्या होएगा, ये क्या है? ये एक डॉल है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ डॉल. ओके, नेक्स्ट वन, द डॉल इज ऑन द टेबल. डॉल कहाँ? डॉल इज ऑन द टेबल. डॉल टेबल के ऊपर है. तो इसका क्वेश्चन क्या बोलेंगे हम, डॉल कहाँ है पूछेंगे, राइट? डॉल कहाँ है? तो आंसर आएगा, डॉल है टेबल के ऊपर. तो हम इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बनाएंगे, वेयर इज द डॉल. क्या बोलेंगे,
वेयर इज द डॉल, तो आंसर रहेगा उसका द डॉल इज ऑन द टेबल. राइट किड्स, वेयर इज द डॉल, द डॉल इज ऑन द टेबल. अभी नेक्स्ट वन, द गर्ल इज लुकिंग एट द डॉल, लड़की डॉल को देख रही है. तो इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम, लड़की डॉल को देख रही है, तो इसका क्वेश्चन आएगा हु इज लुकिंग एट द डॉल, कौन डॉल को देख रहा है, लड़की डॉल को देख रही है ना. सो यहाँ क्वेश्चन आएगा हु इज लुकिंग एट द डॉल, आंसर विल बी द गर्ल इज लुकिंग एट द डॉल. बोलेंगे ना, तो हु इज लुकिंग एट द डॉल हमारा क्वेश्चन रहेगा. अभी नेक्स्ट वन, देर आर टू डॉल्स. ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वहाँ टू डॉल्स है, देर आर टू डॉल्स. तो उसका क्वेश्चन क्या बोलेंगे हम, वहाँ कितने डॉल्स है, तो आंसर आएगा वहाँ दो डॉल्स है. तो वहाँ कितने डॉल्स है, तो इसको इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी डॉल्स आर देर, हाउ मैनी डॉल्स आर देर, वहाँ कितने डॉल्स है, तो आंसर आएगा देर आर टू डॉल्स, वहाँ टू डॉल्स है. ओके, सो द क्वेश्चन विल बी हाउ मैनी डॉल्स आर देर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज ए बैलून, ये एक बैलून है. तो हम इसका क्वेश्चन क्या बोलेंगे, ये क्या है, सो इन इंग्लिश इट विल बी वॉट इज दिस. ओके, वॉट इज दिस, ये क्या है, दिस इज अ बलून, ये एक बलून है. ओके किड्स, सो क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, वॉट इज दिस, दिस इज अ बलून. फाइन, नाउ टर्न अप योर पेज. मैच द वर्ड्स एंड कंपेयर द आंसर्स विद योर पार्टनर. ओके, आपको क्या करना है, वर्ड्स मैचअप करना है. यहाँ पे सेम टू पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट से मैच करना है. सो फर्स्ट वन क्या है, डॉल्स का क्या आएगा, ड्रेस आएगा. ओके, डॉल्स ड्रेस. बर्ड्स, यहाँ पे क्या आएगा, बर्ड्स का बीक, बर्ड्स को होते हैं ना बीक, बर्ड्स बीक. नेक्स्ट वन, फिश फिन्स, फिश के क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, जो पर होते हैं फिश के उसको बोलते हैं फिन्स. देन मंकीज टेल, मंकी की टेल होती है. एलिफेंट्स, एलिफेंट का क्या होता है, ट्रंक होता है, एलिफेंट की जो सूंड होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, तो एलिफेंट्स ट्रंक. काउज हॉर्न, काउज को क्या होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, उन्हें सिंग होते हैं ना काउ के, सो दो सिंग्स आर कॉल्ड एज हॉर्न्स. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जब मैचअप करें सेम वर्ड्स को यहाँ पे पेयर करके लिखेंगे. सो डॉल्स ड्रेस, बर्ड्स बीक, बर्ड्स का बीक, फिश का क्या हो गया, फिन्स, फिश फिन्स. देन मंकीज का क्या हो गया, टेल, मंकीज टेल. एलिफेंट्स का ट्रंक हो गया, एलिफेंट्स ट्रंक. देन काउज हॉर्न्स, ओके किड्स, काउज का क्या हो गया, हॉर्न्स हो गया. फाइन, नाउ नेक्स्ट वन, वेयर विल यू पुट ओ इन दिस लेटर्स टू मेक फुल वर्ड्स. ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स में ओ ऐड करना है, तो उसे कंप्लीट वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए. तो अभी हम फर्स्ट वन क्या दिया गया है, डी एल एल, तो हमने यहाँ मिडल में ओ ऐड किया इसको, तो ये बन गया डी ओ एल एल, डॉल. ओके, अभी नेक्स्ट वन चेक करेंगे, ये है एम एन ई वाई, तो हम यहाँ ओ कहाँ ऐड करेंगे, एम के बाद ओ ऐड करने से हमें बन जाएगा ये वर्ड मनी, एम ओ एन ई वाई, मनी. ओके, थर्ड वाला एल वी ई, तो हम यहाँ एल के बाद ओ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एल ओ वी ई, लव. अभी यहाँ टू वर्ड्स हैं, तो हम इसे ओ कहाँ ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे या स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, हाँ या मिडल में, नो वी विल ऐड इन द स्टार्टिंग. स्टार्टिंग में ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये ओ एन ई वन बन जाएगा, है ना, एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा ओ एन ई वन. देन एल एन जी, तो हम क्या करेंगे, इसको मिडल में ओ ऐड करेंगे तो एल ओ एन जी, लॉन्ग हो जाएगा. अभी नेक्स्ट वन, एम टी एच ई आर, तो अभी यह एम के बाद हम ओ ऐड करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर. ओके, आई विल रिपीट इट अगेन, डॉल
मनी लव वन लॉन्ग मदर. ओके किड्स, दिस इज ऑल फॉर योर दिस क्लास एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वील कंप्लीट अवर रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस. सो एज फॉर योर होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू, learn and write questions and answers one time in homework. Okay kids, so this is your homework. Hope you will do this one. Do complete the exercise reader part and even write the homework part, and don't forget to write the meanings in your classwork. So till then, stay home, stay safe, and don't trouble your parents.